हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बिफोर यू स्टार्ट, अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर देना, लाइक करके छोड़ देना। आप बाद में देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखना, ये बहुत जरूरी है ताकि कोई भी एनालिसिस मिस ना हो। और तो अभी चलो वीडियो को शुरू करते हैं। क्या हुआ कि आज मॉर्निंग में मेरे कुछ ट्रेड छूट छूट गए थे, तो मैंने वेट किया, और वेट करते हुए अभी 11:45 के आसपास मुझे एक ट्रेड मिला है। सुब्रोस करके स्टॉक है कोई, इसके अंदर अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक 38% तक गया था। तो यहाँ से जब रिट्रेस हुआ यहाँ पे आया कुछ 31 के लेवल तक, 531 के लेवल तक आया। तो मैंने यहाँ पे 150 क्वांटिटी के साथ ट्रेड बना लिया है। अब अपसाइड में हमें 550 रुपये तक का टारगेट मुझे दिख रहा है जो आ सकता है, और डाउन साइड में मैं स्टॉप लॉस लूँगा 50% के नीचे। तो रिवॉर्ड रेशो सही है यहाँ पे, कुछ 6-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और उसके अगेंस्ट में 20 पॉइंट का कुछ प्रॉफिट है। तो मेरे ख्याल से सब कुछ शॉर्टेड है यहाँ पे इस स्टॉक में। अब हमें बस वेट करना है और इंतजार करना है कि हमारा स्टॉक हमें प्रॉफिट दे या लॉस दे, और फिर उसके बाद हम मार्केट आज का क्लोज करेंगे। तो ये आज की ओवरऑल ट्रेडिंग होने वाली है। मीनवाइल गाइस, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, और मेरे यूट्यूब चैनल को और इंस्टाग्राम को आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं यहाँ पर रोज अपलोड करता हूँ वीडियो डेली बेसिस पे विद एनालिसिस, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। चलो मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। तो दोस्तों, आज वेट करते करते मार्केट कहीं ना कहीं एक जगह पर स्टक रहेगी, और अब टाइम हो गया ऑलमोस्ट ट्रेड काटने का। तो बहुत देर वेट किया, करीब आप देख लो फर्स्ट हाफ में हमने ट्रेड लिया था कुछ 11:30 के राउंड, और उसके बाद से अब तक 600-700 का लॉस देखने के बाद भी अभी तक ये ट्रेड चले नहीं दोनों, और कहीं ना कहीं स्टक हो चुके हैं। तो मैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अभी अब निकल रहा हूँ, क्योंकि अब ट्रेड तो काटना ही पड़ेगा, 5 मिनट में क्या ही भागेगा। मैं सोच रहा हूँ कि कहा स्पाइक शायद आ जाए 5 मिनट में, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 मिनट में ही स्टॉक भाग जाता है, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं कि निकल, ये रेंज ब्रेकआउट दे के ये निकले ऊपर, तो फिर कुछ शायद हमें देखने को मिले। फिलहाल अभी तो कुछ नहीं हो रहा, अभी तो बस आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मेरे को 200-250 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था, बट अभी वापस रेड कैंडल बना गया इसने, इस ट्रेड को मैं काट ही देता हूँ। अच्छा, MIS ऑर्डर थे तो खुद ही ये निकल गए, तो इस स्टॉक फंस जाते हैं, नहीं कटते। तो ये ट्रेड मेरा आज 307 रुपये के लॉस में कुछ आज का दिन कटा है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो देन गाइस यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो। बाय बाय।